अभी अभी रुद्र भाई का कॉल आया कि वह जो कह रहे हैं कि हमारे घर से 800 मीटर की दूरी पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह उन्हीं की गाड़ी है, शायद आ रही है गाड़ी बलेनो ही है। यहाँ पर जी रुद्र भाई और पूजा जी आ गए हैं घर के अंदर। मोमोज आया हुआ है तो जल्दी से खा लेते हैं। ऊपर लेके जाओ ऊपर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी हम लोग मंदिर से घूम करके आ गए। घूम करके जैसे ही आए क्रियांश चला गया है अपने दादाजी के पास। माँ का जो है खाना पीना हो चुका है, अब बारी हम लोगों के खाना खाने की। तो खाना वहाँ पर लगा हुआ है, चल करके खाते हैं। बाकी रही जी ट्रिप की बात, तो एक ट्रिप होनी है। उम्मीद है कि रुद्र पूजा जो है यहाँ पर आने वाले हैं, साथ में जो है शिवांश भी आने वाला है। काफी मजा आने वाला है और यह ट्रिप उम्मीद करते हैं शानदार होगा और आप लोग को भी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल खाते हैं फिर आगे की बात करते हैं। The next day. तभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:30 और क्रियांश का जो है मसाज हो चुका है और क्रियांश जो है धूप भी लगा चुका है और क्रियांश को लग रहा है कब नींद आ रही है, इसलिए क्रियांश को थोड़ा बहुत घुमा रहे हैं। घूमते घूमते जो है क्रियांश भी सो जाएगा। सो जाएगा तब काम धाम। बिल्कुल, फिर उसके बाद काम धाम होगा हम लोगों का। और चलते हैं किचन, किचन में देखते हैं क्या बन रहा है, मम्मी क्या बना रही है आज। और जैसे ही किचन आए तो यहाँ देख रहे हैं ढेर सारा बैंगन जो है कटा हुआ है। यह बैंगन जो है दीदी और दिया लगता है यही दोनों खाएंगे, क्योंकि शायद डैडी भी नहीं खाएंगे ना हम खाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर बन रहा है गोभी, तो ये हम लोगों के लाइक है। और इसमें आलू भी है, तो आलू लगते तो और थोड़ा मजा हो गया। अच्छा गोभी आलू का भुजिया बन रहा है। ओके, क्या क्रियांश के लिए सरलैक भी लाना पड़ेगा ना? निश्चित रूप से। तो क्रियांश जो है 6 महीने का हो गया है, तो इसका बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा और अच्छे तरीके से करेंगे। पापा को तो कोर्ट छोड़ गया जी, पापा को कोर्ट छोड़ करके आ गए यहाँ मेडिकल स्टोर। यहाँ से क्रियांश का डायपर लेना था, क्रियांश का डायपर खत्म हो चुका है तो लेते हैं। कितना पीस होगा इसका? इससे बड़ा है, बड़ा दे दे। हाँ बड़ा दे। कितना होगा? 90। क्रियांश का तो सामान ले लिया जी, अपना भी कुछ सामान था ले लिया। और अपना जो कुछ सामान था जी वहाँ था ट्रिप का, तो ट्रिप के लिए कुछ सामान लेना था। और जी अभी कुछ देर पहले ही पता चला रुद्र पूजा के बारे में कि वो लोग जो है 2 घंटा पहले निकल चुके हैं। शिवांश की तबीयत सही नहीं थी, शिवांश की तबीयत अब जो है ठीक है। हमने कहा था कि अगर उसका तबीयत सही नहीं लगे 1-2 दिन आप डिले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं, अब जो है उसकी तबीयत में सुधार है, तो वो लोग आ रहे हैं। और हम लोगों ने तो अभी तक पैकिंग भी नहीं करी है, तो सीधा चलते हैं यहाँ से घर। और जितना भी पैकिंग है, जो भी पैकिंग बचा हुआ है सारी पैकिंग करते हैं, क्योंकि अगर अकेले पैकिंग करने लग जाएगी तो जी आपको थोड़ा सा जो समय लग जाएगा। सीधा चलते हैं और दोनों मिल करके पैकिंग करते हैं और जल्दी से करते हैं। तो पहुंच गए जी घर, और जैसे ही घर आए तो देख रहे हैं क्रियांश अपना बदमाशी कर रहा है। क्रियांश चला गया अपनी दादी के पास, नहीं दे रहा है। हाँ। आगे करे तो क्या। तो दादी को ये नहाने दे नहीं रहा है, तो ऐसा प्यारा है। हाँ। तो छोड़ा नहीं रहा। ओए। नहीं तो कितना चिल्लाता है, शुरू हो गया पहरा, पहरा शुरू है। A few moments later. तो अब चल रहे हैं जी ये सारा कपड़ा लेकर के छत के ऊपर, इसको छत पर जो है फैलाना है। तो जल्दी से चलते हैं, क्रियांश भी मम्मी के साथ चला गया है ऊपर। तो जिया जो है अपना सारा कपड़ा फैलाएगी, तब तक क्रियांश को हम संभालते हैं। बिल्कुल धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता इसे, है ना? बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए इसको। तो इससे 1 साल बड़ा है ना वो शिवांश, तो शिवांश भी आ रहा है, तो शिवांश भी खेलेगा इसके साथ। 20 minutes later. उधर क्रियांश को सुला दिया जी, और अब बारी है पैकिंग करने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा ठंड का कपड़ा जो है निकाला जा रहा है, पुराना जो पिटारा है उसे खोला जा रहा है कि आखिर क्या क्या है स्टॉक में। हम लोग को भी पता नहीं कि कौन कौन सा कपड़ा है हम लोगों के पास। तो अब जिया निकाल ली, हमें पता है कि कितना कपड़ा है। अच्छा तुम्हें पता है, हमें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बस 1-2 कपड़ा छोड़ करके बाकी का ध्यान नहीं है। तो अब जो है सभी को निकालते हैं, और जो भी हम लोग को ट्रिप पर लेकर के जाना है हम लोग उसको जो है पैक करेंगे। और क्रियांश जब तक सोया हुआ है मौका है, अगर क्रियांश उठ गया तो फिर अकेले करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी करते हैं। तो हम लोग जी अपना पैकिंग कर ही रहे थे, बीच में जो है अचानक से क्रियांश के उठने की आवाज आई, तो हम गए जाकर। तो देखते हैं पालने पर जो है आराम से पेट के बल लेटा हुआ है और सिर उठा करके ऐसे देख रहा है, तब हम इसको लेकर के आ गए। बाकी अब जिया सारा पैकिंग करेगी, पीछे देख सकते हैं लगभग सारे हमारे सामान की जो है छटनी हो चुकी है कि कौन सा सामान लेकर के जाना है। ओ, तुम्हारा कौन सा चाहिए? तुम्हारा तो सब नया ही चाहिए। बिल्कुल, फिर उसके बाद जो है जिया अब सारा पैक करेगी, और इसको हम जो है फिलहाल अपना दूध पिलाते हैं, ठीक है? इसका दूध भी तैयार है, और दादी वहाँ खाना खा रही है, तो दादी की तरफ देख रहा है कि दादी हमको ले लेगी, देख रहे हैं? दादी की तरफ भी देख रहा है। खाना खा लेंगे तब तक आप।
तो सारा सामान तो हो गया जी, समेटा हुआ, बस अब जिया की पैकिंग बची है, तो जिया अपना कर रही है पैक। आपका भी बचा हुआ है? मेरा हो चुका है, मतलब बस कपड़ा निकाल के दे दिया, तुम पैक करते रहो जो कर। हो गया, बस हो गया ना, तो हम समझ गए कि तुमको दे दिया मतलब हो गया। अच्छा तो अब ऐसा करते हैं जी, चलते हैं सलून, सलून जा करके थोड़ा सा जो हेयर कट करवा लेते हैं और थोड़ा सा जो शेव करवा लेते हैं, तो चलते हैं। जो दाढ़ी तेल लगाने आते हैं ना, वही दाढ़ी को पहचान रहा, देखो कितना खुश हो रहा है दाढ़ी को। सेवा का भूखा बच्चा दाढ़ी तेल लगा दी, हम लोग से ज्यादा प्यार दादी से। एक लाल पियर कोई साड़ी पीने है ना, बहुत सुंदर है, दादी जी पहनी है। घर तो गई थी दरवाजे की पत्नी लाल साड़ी गोदी में उसी के पीछे रहा दिन भर, आज लाल पियर मतलब वही जाए। तो करवा लिया जी हमने सेव और करवा लिया जी हमने हेयर कट, इसके बाद चलते हैं जल्दी से नहा लेते हैं और उसके बाद बाकी काम पर लगते हैं। तो हमारा तो नहाना हो गया जी, और अब जो है जिया यहाँ पर साफ सफाई कर रही है, तो जिया जब साफ सफाई यहाँ कर रही है तो हम चलते हैं अपने काम पर, जो भी बचा हुआ काम वह निपटा लेते हैं। और कुछ ही देर पहले मालूम चला कि रुद्र पूजा जो है अब थोड़ा नजदीक ही है, तो कुछ देर में वो लोग आ भी जाएंगे, तो देखा जाएगा कि उनके आने के बाद जो है कहाँ चलते हैं। और फिलहाल जो है क्रियांश सोया हुआ है, तो ये अपने पालने में सोया हुआ है, देख रहे एकदम कोने में जा करके सोया हुआ है, तो उसको सोने देते हैं, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। मैं था जी अपने रूम में लैपटॉप पर बैठा हुआ, कुछ काम कर रहे थे, वहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, तो सोच रहे थे कि आखिर क्या बन रहा है किचन में। तो आ गए हम किचन में, देखते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर मखाना फ्राई हो रहा है। अब हम सच बात बताएं क्या? क्या सच बात? कैमरा ऑफ नहीं कीजिएगा, पहले बता रहे हैं। क्या बोलो? सच बात ये है कि इन्होंने हमें बोला कि तुम मखाना फ्राई करके खिलाती हो या नहीं तो तुम बोलोगे कुछ मार्केट से सामान लाने के लिए, वो हम ला के नहीं देंगे। सही पकड़े हैं? नहीं, बहुत ही गलत बात है, यही बात ये बोले तो फिर हम आए। बहुत बढ़िया, अब ऐसा करते हैं जी, जाते हैं देखते हैं नीचे डैडी आए हैं कि नहीं। जी अगर डैडी आए होंगे तो उनके लिए भी बन जाएगा। A few moments later. मखाना तो जिया ने फ्राई करके दे दिया, जैसे ही मखाना दिया खाना शुरू की, और यह कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो और मखाना की जरूरत है तो जिया थोड़ा सा और फ्राई कर दिया जाए। ओहो क्या भी जा रहा है, देखिए हमारी मन की बात को जो है जिया वैसे ही पहचान लेती। अच्छा नहीं बिल्कुल गलत बात, जब हम नीचे दे के आए मुँह लटका हुआ था इनका। अच्छा जिया को अपनी झूठी थाली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं पत्नी की थोड़ी सी तारीफ कर दें, नहीं चाहिए ना, मेरे मन की भावना को जो है समझ चुकी है पत्नी, नहीं लेकिन कोई भावना नहीं समझ रही है। ये सोच रही थी कि आप बोले नहीं, बस भाग रही थी। हाँ, तो फिर हमको बोले कि तुम थोड़ा सा दे दी हमको, थोड़ा और दो, जैसे मेरा मन नहीं भरा। तो जिस चीज से बचना चाह रही थी जिया महारानी, उस चीज से बच नहीं पाई, तो फिर से फ्राई करके देना ही पड़ेगा, तो जल्दी से फोर्स करके देना तो पड़ेगा। इन्हें तो क्या क्या हम कोई ब्लैकमेल करते हैं वो भी नहीं बता सकते। अच्छा कोई नहीं, फिर बाद में देखते हैं। तो अब चलते हैं जी मार्केट, मार्केट से कुछ सामान लेते आते हैं, खाने का सामान। रुद्र पूजा जो है कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे, तो उनके लिए कुछ जो है अपने कटिहार का जो है कुछ स्पेशल ले आते हैं, नाश्ता के लिए भी लेते आएंगे और खाने के लिए भी लेते आएंगे। तो चल रहे हैं जी अंकल के दुकान और साथ में क्रियांश को भी ले लिए। घर में थोड़ी सी तबाही मचा रहा था, तो जब से बाहर आया घूमने देख सकते हैं पूरा निहार रहा है, एकदम मजे में है। नमस्ते अंकल। आधा किलो वाला दे दी, कौन ही है बाबू? तो क्रियांश भी देख रहा है यहाँ पर कुछ इसके लिए कुछ सामान हो तो कुछ मिला तुम्हारे काम लायक, ढूंढ रहा है यहाँ पर दुकान में कुछ। हम तो अपना सामान ले लिए जी, साथ में क्रियांश भी अपना सामान ले लिया, आंटी जी ने अपनी तरफ से दे दिया यह, और देख रहे हैं तब से इसको मुंह में ही ले रहा है, रैपर मुंह में ले रहा है। तो जाते हैं इसके रैपर को खोल देंगे, फिर ये अपना लेगा मुंह में, अभी क्या करेगा, बस खाली मुंह में लेगा और पूरे शरीर में लगाएगा, अब यही है, यही करेगा ना। कोई नहीं, हम लोग बगल में बैठे रहेंगे। पनीर आधा किलो, 250 ग्राम मटर भी दे दीजिएगा, कॉफी वाला पैकेट दीजिएगा, वो 5 तो दे दीजिए। ले लिया जी सारा सामान, अब सीधा चलते हैं घर। अभी रुद्र भाई से बात हुई तो मालूम चला कि वो गिराबारी तक आ चुके हैं, और अभी गिराबारी से मुश्किल से 20-25 मिनट का रास्ता है यहाँ का, तो फिलहाल चलते हैं घर। अभी रुद्र भाई का कॉल आया कि वह जो कह रहे हैं कि हमारे घर से 800 मीटर की दूरी पर है, उनको अपना लोकेशन भेज दिया था व्हाट्सएप पर, घर है वहाँ से 800 मीटर, तो चलते हैं। हमारा गली जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और मैप भी इधर उधर जो है भुतलाने दे, GPS जो है हर जगह सही से काम नहीं करता है, पता नहीं इस तरफ कैसा काम करता है, अपने एरिया में तो आज तक GPS यूज किए नहीं है क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब चलते हैं फील्ड के पास और वहाँ पर मिल लेंगे उनसे, और वहीं से उनको लेते आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह उन्हीं की गाड़ी है, शायद आ रही है गाड़ी, बलेनो ही है।
अब वहाँ से लेफ्ट कर लेना है। राइट ना? नहीं 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 लेफ्ट लेना है। हाँ पहला लेफ्ट छोड़ के दूसरा लेफ्ट। उधर कैसा मौसम? ऐसा ही है क्या वैशाली साइड? अच्छा ठंडा मतलब काफी ज्यादा हो गया वहाँ पे। दो दिन में हमको लगा कि वहाँ ठंडा काफी ज्यादा पड़ रहा है। इसमें लगा हुआ था जी चाइल्ड लॉक। बाहर से गेट खोले। अरे भाई कितने पर जी रुद्र भाई और पूजा जी आ गए हैं घर के अंदर। मोमोज आया हुआ है तो जल्दी से खा लेते हैं। ऊपर लेके जाओ ऊपर। इसका टोपी नहीं लाया कान वाला? तो जिया यहाँ पर लगा रही है जी मोमोज। दो प्लेट तो नीचे देते आए हैं मम्मी पापा को और बाकी दो प्लेट यहाँ पर लगाया जा रहा है तो जल्दी से लगाया जाए। हमें तो वहीं से लाए ना। वहीं से जहाँ पर दार्जिलिंग वाले भैया है। और ये जो बनाते हैं ना ये दार्जिलिंग से ही भैया है। हम लोग खाएंगे ही खा रहे। आप लोग पहले खाइए बताइए कैसा लगा टेस्ट? अच्छा लग रहा था। ठीक नहीं कटिहार में सबसे अच्छा हमको इसी का लगा। वेज है? हाँ वेज है। आपको नॉन वेज खाना था क्या? तो नॉन वेज ले लेते हैं। ठीक है ठीक है। नहीं क्रियांश ये खाना देख रहा है। जो भी कोई खाना खाता है ना दार्जिलिंग वाला मोमोज का बड़ा होता है उसका तो एक बहुत बड़ा जैसा मिलता है वो इससे दो गुना।